भले ही राज्य सरकार प्रदेश के गाँव को सड़क से जोड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। इसका जीता जागता उदाहरण अल्मोड़ा से चार धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जहां मुख्य सड़क मार्गों पर डाबर उखड़ने से गड्ढे बन गए हैं और विभागों की लापरवाही के कारण इन सड़कों के गड्ढों को भरा नहीं गया। अल्मोड़ा के कोसी से कौसानी जाने वाले मार्ग अपनी बदहाली खुद ही बयां कर रहा है। इस मार्ग से सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। बदहाल सड़क के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं। सड़क को दुरुस्त करने के बजाय इन गड्ढों को मिट्टी से पाटा जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, इसके बाद वो पूरे जनपद में आंदोलन करेंगे। अल्मोड़ा हम जो क्षेत्र देख रहे हैं अभी, मैं तो नगर में पूरा भ्रमण करता हूँ, तो हर रोड खराब है आज के दिन में, और जो रोडें खराब हैं उसमें आज ये यहाँ के पीडब्ल्यूडी के जो विभाग के लोग हैं उसमें मिट्टी या रोड़ा भर के बंद कर दे रहे हैं। और आज ही हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि ये जो अल्मोड़ा की जो सड़कें खराब हुई हैं जिनमें गड्ढा है इनको 15 दिन के अंदर दुरुस्त किया जाए, वरना हम इसके खिलाफ कांग्रेस जन इनके खिलाफ धरने में बैठेंगे, क्योंकि ये सड़कों से जो है एक्सीडेंट होने का संभावना है। यहाँ की जनता को परेशानी है, एक तो ये कोविड-19 चल रहा है, लोग परेशान है वैसे ही, और एक्सीडेंट होता और बीमारी का वो भी नुकसान देखते हुए हमने हमारा मुख्यमंत्री से ऐलान करना चाहते हैं कि वो इस रोड को दुरुस्त करें। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उनके द्वारा 245 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उनके द्वारा 147 कार्य को पूरा कर लिया गया है और बाकी सड़कों के लिए कोरोना के कारण मजदूरों की कमी और बजट की कमी के कारण कार्य नहीं हो पा रहा। बजट आने के बाद सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है। 5 जून को हमें SOD महोदय से ये निर्देश मिला था कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लक्ष्य बनाएं, तो हम लोगों ने 245 किलोमीटर का टोटल लक्ष्य, 210 किलोमीटर का लक्ष्य रखा हुआ था, जिसके आगे 147 किलोमीटर में हम लोग काम कर चुके हैं और बाकी कहीं कहीं पे जो महत्वपूर्ण मार्ग है वहाँ काम चल रहा है। हालांकि इस बीच दिक्कत ये रही कि निर्देश हमें 5 जून को मिला था और उसके बाद यहाँ लेबर की भी काफ़ी समय तक दिक्कत रही, कोविड-19 की वजह से बाहर से लेबर नहीं आ पा रहे थे और जो लेबर आए भी तो उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा था और कई जगह पर ग्रामीणों के द्वारा भी मतलब उसका विरोध किया जा रहा था कि बाहर के लेबर को हमारे इलाके में ना लाया जाए, तो उसके बावजूद भी पूरा प्रयत्न करके करीब 70% टारगेट हमने अचीव कर लिया है और बाकी भी कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश शुरू हो गई है और जब भी मौका मिलता है थोड़ा बहुत काम हम कर ही रहे हैं, तो मुख्य मार्गों को हमने प्रायोरिटी पर टेकअप किया। सड़क की बदहाल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर महत्वपूर्ण मार्ग की ऐसी दशा है तो बाकी सड़कों का क्या आलम होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जनपद की सड़कों के सुधारीकरण को लेकर कांग्रेस ने विभाग को कई बार ज्ञापन दिए, हालांकि विभाग जल्द ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रहा है। पंजाब केसरी TV के अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।